गाइस, इट्स मी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है सैटरडे और सैटरडेज को मैं करती हूँ घर की डीप क्लीनिंग, मतलब जो बेड के पीछे जो कचरा जमा हो जाता है, जो हमारे कैबिनेट्स है उसके पीछे जो कचरा और बहुत धूल मिट्टी जमा हो जाती है उसकी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। और जो सोफा के कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे भी कई दफ़ा बाल फंसे होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सब की जो क्लीनिंग होती है मैं सैटरडेज को कर लेती हूँ। सो सैटरडे, आई डोंट डू दिस एवरी सैटरडे, आई डू इट लाइक वंस इन अ फॉर्टनाइट या महीने में एक बार, बिकॉज इतना ज्यादा कचरा भी नहीं होता है हमारे घर पे। सो आज जो मैं क्लीनिंग करने वाली हूँ, दिस इज लिटरली आफ्टर अ मंथ दैट आई एम क्लीनिंग, बिकॉज बीच में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। सो इतना ज्यादा कचरा जमा हो चुका है एंड आई वॉज लाइक आई डेस्परेटली नीड टू क्लीन इट नाउ, वरना ये यही जो कचरा वगैरह जो होता है ये एयर में घूमते घूमते फिर हम बीमार पड़ जाएंगे, राइट? तो जो वैक्यूम क्लीनर मैं यूज करती हूँ इन ऑर्डर टू क्लीन ऑल ऑफ दिस, लाइक बेसिकली डीप क्लीनिंग करने के लिए जो मैं वैक्यूम क्लीनर यूज करती हूँ इस बाय अगारो एंड आई यूज दी अगारो हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर। नाउ आप सोच रहे होगे कि यार और एक वैक्यूम क्लीनर, लेकिन अगर आपको एक ही वैक्यूम क्लीनर चाहिए जो सारा ही काम अच्छे से कर दे, प्लस इट इज सुपर अफोर्डेबल ऑल्सो एंड ऑल्सो इट हैज ग्रेट परफॉर्मेंस, मतलब इसका जो सक्शन पावर है ये इतना ज्यादा अच्छा है दैट आपको आगे मैं डेमो पार्ट में दिखाई दूंगी वाला आई एम क्लीनिंग माई हाउस के कितने क्विकली और ईजिली सारा ही जो कचरा है इसमें अच्छे से वो सक कर लेता है वेरी क्विकली। सो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल एंड अफोर्डेबल वैक्यूम क्लीन एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज हैंड हेल्ड, सो ये बिल्कुल भी हैवी भी नहीं होता है एंड एट द सेम टाइम ये बहुत अच्छे से भी काम कर लेता है। सो पहले मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ और उसके बाद हम करेंगे हमारे घर की डीप क्लीनिंग। सो ये है अगारो रीगल हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर जो आता है एफिशिएंट 800 वॉट्स मोटर एंड 6.5 kPa सक्शन के साथ। ये बना है ABS प्लास्टिक से जो काफ़ी ड्यूरेबल है। इसका वेट सिर्फ 2.8 kgs है, सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना लाइट वेट है। इसमें मिलेगा आपको 5 मीटर्स का लंबा कॉर्ड जो काफ़ी सफिशेंट है लंबे डिस्टेंस पे भी इसे यूज़ करने के लिए। इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है और स्टाइलिश है। इसमें आपको ये हैंगिंग हुक भी मिलेगा जिसकी हेल्प से आप इस वैक्यूम क्लीनर को हैंग करके भी रख सकते हैं व्हेन नॉट इन यूज। सो इसमें आता है ये रेड बटन जिसको आप ऐसे ही प्रेस करेंगे तो आप इस वैक्यूम क्लीनर को खोल सकते हैं। इसमें मिलेगा आपको 0.8 लीटर्स का डस्ट कलेक्टिंग फिल्टर जो कि डिटैचेबल है और वॉशेबल भी है। इसको रीअटैच करने के लिए फिल्टर को अंदर डालें ऐसे एंड फिर से इस बटन को इस तरीके से प्रेस करें और यूनिट को इस तरीके से अटैच कर दें। पीछे के साइड मिलेगा ये पावर ऑन ऑफ बटन जिसको यूज़ करके आप मशीन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसमें मिलेंगे आपको कुछ एक्सेसरीज। तो सबसे पहले है ये क्रिवाइस नोसल जिससे आप हार्ड टू रीच एरियाज में सफाई कर सकते हैं जैसे कि विंडो पैनल्स में। नेक्स्ट है ये मल्टीपर्पज क्लीनिंग ब्रश अटैचमेंट जो यूजफुल है टू क्लीन योर सोफाज, कार सीट्स, मैट्रेसेस और कुशंस। नेक्स्ट है ये फ्लेक्सिबल होस पाइप जो हेल्पफुल है अगर आपको एकदम हार्ड टू रीच एरियाज की सफाई करनी हो तो। एंड लास्ट में है ये एक्सटेंडर जिसपे आप अटैचमेंट्स को अटैच कर सकते हैं। किसी भी अटैचमेंट को अटैच करने के लिए पहले आपको ये एक्सटेंडर को यहाँ इंसर्ट करना है ऐसे। इसके बाद आप कोई भी अटैचमेंट यहाँ इस तरीके से पुश करके फिक्स कर सकते हैं। बस नाउ इट इज़ रेडी टू यूज़। पावर बटन को ऑन करके अब आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मल्टीपर्पज़ ब्रश अटैचमेंट को भी इसी तरीके से अटैच कर सकते हैं और अटैचमेंट को निकालने के लिए आपको बस इसी तरीके से उसको रिमूव करना है। अगर आपको एकदम ही हार्ड टू रीच एरियाज में सफाई करनी हो तो एक्सटेंडर के बाद आप ये फ्लेक्सिबल होस पाइप को अटैच करें और इसके बाद आप रिक्वायर्ड अटैचमेंट को अटैच कर दें। सो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये क्रिवाइस नोजल मेरे विंडो पैनल्स को साफ करने के लिए। सो बिकॉज इस वैक्यूम क्लीनर की सक्शन कैपेसिटी इतनी अच्छी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने ईजिली और क्विकली जितना भी कचरा इस विंडो के पैनल में फंसा हुआ है बहुत अच्छे से वो सकअप हो जा रहा है इस वैक्यूम क्लीनर में। एंड बिल्कुल भी इसमें कोई जोर नहीं लग रहा है, बस मैं धीरे धीरे विंडो पैनल में इस अटैचमेंट को मूव कर रही हूँ एंड आप देख सकते हैं कितने ईजिली सारा ही कचरा यहाँ से निकल चुका है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू क्लीन योर विंडो पैनल, बिकॉज यूजुअली यहाँ पे फिंगर से क्लीन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो ये क्रिवाइस नोजल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल है फॉर क्लीनिंग।
ओके गाइस, तो यहाँ पे जो मेरा एक कैबिनेट है मैंने उसको बस मूव किया है एंड आई जस्ट शो यू कितना सारा कचरा इसके पीछे जमा हुआ है। तो यही होता है जब आप यू नो रेगुलरली डीप क्लीन नहीं कर पाते हो, सो इतना सारा कचरा जमा हो जाता है। सो लेट मी जस्ट फ्लिप द कैमरा एंड शो यू हाउ मच डस्ट इज अक्यूमुलेटेड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे वो कैबिनेट का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से इतना सारा यू नो कचरा यहाँ पे जमा हो चुका है। एंड नाउ आई विल शो यू कितना ईजी होता है अगारो के इस हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर से इसको एकदम से साफ कर देना। सो यहाँ मैं सबसे पहले जो प्लेन उसका एक्सटेंडर नोजल है उसी से जो बड़े बड़े हेयर है, जो बड़े बड़े यू नो डस्ट पार्टिकल्स है, उसको मैं इसमें पहले वैक्यूम क्लीनर से पूरा साफ कर रही हूँ। एंड आप देख सकते हैं कितने ईजिली ये जितने भी यू नो बाल है, डस्ट है, मिट्टी है और ये जो पार्टिकल्स हैं कितने अच्छे से एकदम ये सक हो जा रहे हैं वैक्यूम क्लीनर में। एंड बहुत इजी होता है इसके साथ यू नो वैक्यूम क्लीनिंग करना। एक बार जो बड़े पार्टिकल्स सक आउट हो गए थे वैक्यूम क्लीनर में, उसके बाद मैंने जो ये स्टैंडर्ड ब्रश वाला टूल है उससे और भी अच्छे से यू नो डीप क्लीनिंग कर दी, बिकॉज बहुत छोटे छोटे भी डस्ट पार्टिकल्स थे तो वो सारे इसमें से क्लीन हो गए। एंड यहाँ आप बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर देख सकते हो कितने अच्छे से यहाँ पे क्लीनिंग हो गई है। सो इसी तरीके से आप किसी भी सरफेस पे ये यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मेरे बेडरूम में ये वुडन टाइलिंग है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये जितना भी कचरा है, बाल है, पता नहीं कितनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी बिकॉज मैं काफ़ी टाइम के बाद यू नो डीप क्लीनिंग कर रही थी तो सब कितने अच्छे से इसमें सक हो जाते थे बिकॉज इसका जो सक्शन पावर इतना पावरफुल है तो बहुत क्विकली यू नो क्लीनिंग हो जाती है। फिर मैंने लिया जो क्रिवाइस नोजल है और वो लेके मैंने जो सोफ़ा के एजेस है उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया बिकॉज ये सोफ़ा के एजेस में बहुत सारे यू नो बाल अटक जाते हैं कहीं पर, और जो फूड पार्टिकल्स है वो यहाँ पे घुस जाते हैं बिकॉज बच्चे जब यू नो सोफ़ा पे बैठ के खाते हैं बहुत ज़्यादा यू नो गंदगी हो जाती है तो वो जाके इस क्रिवाइस में फंस जाते हैं। सो इस क्रिवाइस नोजल की मदद से बहुत ईजिली वो जितने भी गंदगी होती है जो इसमें फंसे पड़े होते हैं बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। एंड देन फिर मैंने जो अपना स्टैंडर्ड ब्रश नोजल है उसको यूज़ किया और जो सोफ़ा का फैब्रिक है उसके ऊपर मैंने इसको घुमाया सो दैट थोड़े भी यू नो बचे कुचे जो डस्ट पार्टिकल्स जो सेटल हो जाते हैं सोफ़ा के फैब्रिक पे वो भी बहुत अच्छे से इसमें क्लीन हो जाते हैं। और हमें रियलाइज़ नहीं होता है बट जो डे टू डे बेसिस में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इसी तरीके से हमारे मैट्रेसेस पे, कुशंस पे, सोफ़ा के फैब्रिक्स में यू नो सेटल हो जाते हैं तो इनको डीप क्लीन करना एटलीस्ट 15 डेज में एक बार बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। एंड देन मैंने ये जो एक्सटेंडर होस पाइप है उसकी मदद से जो मेरा बेड है उसके पीछे ज़्यादा यू नो जगह नहीं है, हम बेड को भी नहीं मूव कर सकते बट स्टिल मैंने ये एक्सटेंडर पाइप लेके जो पीछे का जो डस्ट है उसको अच्छे से निकाल दिया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्सटेंडर होस पाइप है वो भी कितना ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल है इस तरह की डीप क्लीनिंग करने में जहाँ पर बिल्कुल भी अपने हाथ नहीं पहुँच सकते हैं। सो हमारी सारी क्लीनिंग हो चुकी है और यहाँ पे जो फिल्टर है उसको आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, सारा कचरा इसमें जमा हुआ है। सो अभी हम इस फिल्टर को बाहर निकालेंगे। सो पहले आपको इस फिल्टर को बाहर निकालना है और इसमें जितना भी कचरा है उसको वेस्ट कोई पेपर ले लीजिए और उसमें हाथों से अपने निकाल दीजिए। तो जो भी बड़े बड़ा जो यू नो कचरा है पहले आपको उसको हाथ से निकालना पड़ेगा एंड वंस यू आर डन विथ इट देन फिर आप इस फिल्टर को अच्छे से पानी के नीचे वॉश कर सकते हो। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा साबुन भी यूज़ करके एकदम ही अच्छे से इसको वॉश कर सकते हैं। यहाँ मैं बस पानी से इसको वॉश कर रही हूँ एंड थोड़ी देर पानी के नीचे इसको रन कीजिए, उसको थोड़ा सा रगड़िए तो बिल्कुल भी जितना भी इसमें डस्ट पार्टिकल है सारा ही अच्छे से इसमें क्लीन हो जाएगा, फिर आप इसको फिर से अटैच कर सकते हो। सो देखा गाइस कितना इजी है अगारो के इस वैक्यूम क्लीनर को यूज करना। इससे आप आपके जो विंडोज की जो रेलिंग्स है उसको क्लीन कर सकते हो, बेड को बिना हिलाए यू नो बिकॉज इट हैज दैट एक्सटेंशन रॉड आप पीछे भी जाके उसको क्लीन कर सकते हो बेड के पीछे, एंड ऑब्वियसली जो हमारे ड्रॉवर्स होते हैं, कैबिनेट्स होते हैं उसको तो खिसका के आप क्लीन कर ही सकते हो। तो बस आपको यही एक वैक्यूम क्लीनर की जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू यू नो डीप क्लीन योर हाउस एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी अफोर्डेबल। तो इसका लिंक मैंने आपको नीचे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो चलिए डीप क्लीनिंग तो हो गई है एंड अब हम बनाएंगे गर्मा गर्म चाय बिकॉज 4 बज चुके हैं एंड इट्स टाइम टू हैव सम यमी स्नैक्स। तो मैं चाय बना दूंगी और साथ ही साथ में समोसे भी ऑर्डर कर दूंगी बिकॉज हमारे घर में समोसे बहुत पसंद है सभी लोग को। एंड क्यू के लिए स्नैक्स में हम बनाएंगे ऑरेंज जूस, फ्रेश ऑरेंज जूस बिकॉज शी लव्स ड्रिंकिंग फ्रेश ऑरेंज जूस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। क्यू ने भी अपना जूस पी लिया है, हमने भी समोसे और चाय खा लिए हैं और अब हम थोड़ा सा रिलैक्स करके आराम करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग गाइस। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये व्लॉग कैसा लगा एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू शेयर एनी थिंग विथ मी, एनी वीडियो रिक्वेस्ट अगर आपके पास है तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।